दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है। लगभग सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, तो बीजेपी की स्थिति भी पहले से बेहतर होती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। कैलाश विजयवर्गीय की माने तो एग्जिट पोल के नतीजों के आसपास ही चुनाव के नतीजे आते हैं, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन इस बार दिल्ली में अच्छा रहेगा। देखिए, साधारणतः एग्जिट पोल के आसपास ही रिजल्ट आते हैं, हमने देखा है, पर दिल्ली में हमें शायद उम्मीद अच्छी कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं अच्छा परिणाम आएगा। मतलब क्या लगता है कि एग्जिट पोल्स कहीं ना कहीं बदलाव लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल, मैं कह रहा हूँ ना कि जो दिखा रहे हैं उससे अच्छे परिणाम आएंगे। केजरीवाल शाहीन बाग जो 11 तारीख के बाद में अपने बीजेपी खत्म करवा देंगे अमित शाह जी, अब उनको सपना है तो मेरे को पता है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे और एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 59 से 68 सीटें और बीजेपी को 2 से 11 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है, लेकिन भगवा पार्टी के मत फीसदी में इजाफा हुआ है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 56%, बीजेपी को 35% और कांग्रेस को 5% वोट मिलने का अनुमान है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।